नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल देखने को मिला। इसके बाद योगी सरकार लगातार बुलडोजर की कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक तरफ जहां बवाल करने वालों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है, तो वहीं अब बुलडोजर को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कानपुर प्रयागराज में हुए बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। पहले कानपुर में और उसके बाद प्रयागराज, सहारनपुर समेत प्रदेश के लगभग 8 जिलों में जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ और उपद्रवियों ने पत्थर बरसाए, उसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इन बवालियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद से बुलडोजर ने अपना काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले कानपुर में मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चला और फिर प्रयागराज में भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां आरोपी के घर को जमींदोज कर दिया गया। तो वहीं इस कार्रवाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर को संविधान और कानून ही रोकेगा, और जिस घर पर बुलडोजर चलाया है उस घर में पहले नगर निगम के टैक्स दिए जाते थे, तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों ले रही थी? और सुनने में ये आ रहा है, कागजों पे ये बातें हैं कि जिन पर आरोप है उनके नाम पे घर ही नहीं था, उनकी पत्नी के नाम पर था। अब सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करेगी, और क्या जिन अथॉरिटीज ने उस पर बुलडोजर चलाया है क्या वो घर बना करके देंगे? और मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, जो सच्चा हिंदू होगा वो किसी भी धर्म के खिलाफ एक भी बात नहीं कह सकता, जो सच्चा हिंदू होगा किसी का अपमान नहीं कर सकता। सच्चा हिंदू कभी भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी दूसरे धर्म के बारे में नहीं कर सकता। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। आखिरकार बीजेपी और बीजेपी के इस तरह के नेता आखिरकार क्यों रास्ता अपना रहे हैं? वो इसीलिए अपना रहे हैं क्योंकि बुनियादी जो सवाल है उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। मौका मिलते ही बसपा सुप्रीमो मायावती भी पीछे कहाँ रहने वाली थीं। उन्होंने भी योगी सरकार को अपने निशाने पर लिया। मायावती ने सोशल मीडिया में ट्वीट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर, विध्वंस व अन्य द्वेषपूर्ण आक्रामक कार्रवाई कर विरोध को कुचलने एवं भय व आतंक का जो माहौल बना रही है यह अनुचित व अन्यायपूर्ण। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई को कोर्ट जरूर संज्ञान ले। अब आपको सुनवाते हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को। अच्छा, घर किसका तोड़ते हैं? उस बच्ची का घर तोड़ते हैं जो उसके बाप को मुल्जिम करार दे रहे हो। बाप का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। बोलते इलीगल बनाया गया, तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? और आपने क्या किया? पत्थर फेंके, घर तोड़ दिया। जब भाजपा के एक मंत्री तेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते हैं। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा, ये कौन सा इंसाफ है? शनिवार को हरदोई में सुहेलदेव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले तो नुपुर शर्मा जो जिन्होंने आग लगाई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने की वजह से सरकार ने उस पर अगर कार्रवाई कर दिया होता और जो एक उनके साथी हैं दोनों पे अगर मुकदमा लिख के उनको जेल भेज दिया होता तो कल की कोई घटना नहीं होती। कल की घटना की डिमांड तो वही ना है
कि इनके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज दो। सरकार उनको बचाने में लगी हुई है। एक तो गलती ये उन्होंने किया जिन्होंने बयान आग उगला, दूसरे जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया तो उनके खिलाफ सरकार काम कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन निर्दोष को परेशान न करे, ये हमारा अपना मानना है। देखिए, सरकार को तो पहले अंकुश उन पे लगाना चाहिए कि जो इस तरह की बयानबाजी, देश संविधान से चल रहा है, आप गलत बयानबाजी करके माहौल को बिगाड़ रहे हैं। पूरा प्रदेश शांति माहौल में पड़ा हुआ था। अब जिस जिले में देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हों, जिस जिले में देश के प्रधानमंत्री जी हों, प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी हों, पूरी प्रशासनिक महकमा हो, और वहाँ की खुफिया तंत्र क्या कर रही थी, आईबी के लोग क्या कर रहे थे, जितने भी सीआईडी के लोग क्या कर रहे थे, जो खुफिया तंत्र था, इनको तो पहले ही उस चीज़ों की जानकारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये साबित करता कि खुफिया तंत्र फेल हो गया और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में ये घटना हो गई। अब इससे बड़ा खुफिया तंत्र का क्या खुलासा होगा। यूपी के 9 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अंबेडकर नगर, हाथरस, अलीगढ़, जालौन और खीरी में हिंसा हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 300 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।